नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि एंट्रेंस का रिलेटेड वीडियो देते रहता हूँ, तो एक बार मैं जेएनयू का जो आपका हरियाली है उसके बारे में वीडियो बना देता हूँ। तो मैं आज आपको पीएसआर का व्यू दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं पीछे कि जो व्यू है वो कैसा है, कितना हरियाली जगह है। एक दिल्ली अगर अलग तरफ है और जेएनयू का जो व्यू है वो अलग है, तो इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को पीएसआर का व्यू दिखा देता हूँ। तो आप लोग को मैं ये बताऊंगा कि पीएसआर का क्या क्या चीज़ बहुत फेमस है, और पीएसआर का जो आपको बताया हुआ पीएसआर का नाम ही आया है तो जेएनयू का पहला जो वीसी था उसके अकॉर्डिंग पार्थो सारथी रॉक। तो ये दिल्ली का सबसे टॉप पॉइंट है, और आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर जेएनयू का जो सेंट्रल लाइब्रेरी वो भी दिख रहा है, और वो टंकी जो जेएनयू का सबसे फेमस है वो भी दिखेगा। और देख सकते हैं कि जेएनयू का जो है ना ग्रीनिश एनवायरमेंट वो दिखेगा। यहाँ पर पॉल्यूशन एकदम ही नहीं, ज़्यादातर लोग दिल्ली को एज ए पॉल्यूशन देखता है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है, लेकिन जेएनयू में देखिएगा तो पॉल्यूशन बहुत कम है। तो आप दिखाते हैं आज जेएनयू कैसा है और पीएसआर कैसा है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे। नमस्कार दोस्तों, आप जैसे देख सकते हैं कि ये जेएनयू का जो है पीएसआर है पार्थो सारथी रॉक्स, और जेएनयू का सबसे ऊपर पॉइंट जो होता है दिल्ली का वो है। तो यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट आता है तो यहाँ पर ज़रूर घूमने आता है। आप देख सकते हैं आप व्यू कितना अच्छा लग रहा है। ये आपका पार्थो सारथी रॉक्स है जिसको पीएसआर भी बोला जाता है, जेएनयू के अंदर है। और वो जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है वो एक्चुअली आपका एनआई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, और उधर आपको दिल्ली का बिल्डिंग सबको दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कि पीएसआर का एक आपको व्यू दे रहा हूँ यहाँ से मैं, और ये बहुत फेमस जगह है। आप अगर यहाँ पर आए तो आपको ज़रूर यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर घूमना चाहिए। तो ये टंकी जो आप देख रहे हैं वो जेएनयू का, आइएगा तो सिंबल्स होता है जेएनयू का कुछ कुछ चीज़ें, और आपको ऊपर लेके जाऊँगा, वहाँ पर आपको दिखेगा जेएनयू का लाइब्रेरी जो होता है, 8-10 मंजिल का एक लाइब्रेरी आपको मिलेगा जो सेंट्रल लाइब्रेरी है। आपको वहाँ से दिखाऊँगा कि जेएनयू का लाइब्रेरी कितना बड़ा है, और ऊपर से एक व्यू दूँगा आपको। सो यू कैन सी द सबसे ऊपर जो पॉइंट है जेएनयू का पीएसआर, ये सबसे ऊपर है। जब वीडियो किए थे वो आपका नीचे पोर्शन था, आप देख सकते हैं ऊपर वाला पोर्शन वो आपका जो टंकी है। आपको जेएनयू का लाइब्रेरी दिखाता हूँ कि देखिए वो जो है ना, ये जो दिख रहा है आपको बिल्डिंग, ये आपका जेएनयू लाइब्रेरी है। 10 मंजिल का आपका लाइब्रेरी दिखेगा, सेंट्रल लाइब्रेरी है। और जो आपको छोटा छोटा बिल्डिंग वहाँ पर दिख रहा है वो एक्चुअली स्कूल्स एरिया है, तो अलग अलग स्कूल्स रहता है, वो स्कूल्स एरिया बोलता है उसको। तो वहाँ पर आपको स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ लैंग्वेज का, उसके अलावा आपको बाकी जितना डिपार्टमेंट है सोशल साइंस वो दिखेगा। ये सबसे ऊपर वाला डिप देख सकते हैं, आपको छोटे छोटे बिल्डिंग वहाँ से दिख रहा है, और इसके ऊपर से आपको एरोप्लेन जाते हुए दिखेगा। आपको मे भी अभी नहीं दिख रहा होगा, तो उसके थोड़ी देर बाद ही आपको एरोप्लेन दिख जाएगा। ये छोटा सा लाइट देख रहे हैं, ये एक्चुअली एरोप्लेन का है, तो एरोप्लेन पार होते रहता है यहाँ से, और आपको दिल्ली का बाहर चीज़ दिख रहा है। जेएनयू एक्चुअली बहुत हरियाली जगह है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा आपको टावर से नहीं मिलेगा, आपको हर जगह पेड़ और पौधा ही मिलेगा। तो ये आपका रॉक्स देख सकते हैं जिसको पीएसआर रॉक्स बोला जाता है, और ये ऊपर का व्यू है, दिल्ली का सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, तो ये पीएसआर ही है। तो आप अगर दिल्ली आते हैं या जेएनयू आते हैं, और अगर जेएनयू का स्टूडेंट है, आपको यहाँ आना ज़रूर चाहिए। देख सकते हैं ये वो बिल्डिंग्स आपके सामने ही मिल जाएगा। आपको पता होगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, वो भी आपको दिख जाएगा, और आपको दिख रहा है कि एरोप्लेन आ रहा है, तो बहुत अच्छा एक व्यू मिलता है जेएनयू से। आपको बैकग्राउंड में दिखने को मिल रहा है कि पिकॉक्स का साउंड भी आपको मिलेगा, ये जेएनयू का एरोप्लेन जा रहा है, देख रहे हैं आप, दैट काइंड ऑफ व्यू यू कैन गेट फ्रॉम हियर, एंड वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आप आते हैं तो आपको यहाँ पर आना जरूर चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये पीएसआर है जेएनयू का, और ये रोड, ये पीछे वाला जो ऊपर चढ़ रहे थे, और वो एक पेड़ देख सकते हैं आप। ये हरियाली आपका शाम का टाइम है, ये रोड है, यहाँ पर स्टूडेंट्स आते रहते हैं शाम के टाइम, सुबह के टाइम, क्योंकि सनराइज़ जब होता है यहाँ से फ़ोटो बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए मेजोरिटी स्टूडेंट सुबह के टाइम, नहीं तो जब सूरज ढलता है तब आता है सनसेट के टाइम, क्योंकि आखिर दोनों ही टाइम आपको फ़ोटो मस्त आएगा यहाँ से, और देखने का जो व्यू आता है मस्त आता है। तो आप देख सकते हैं ये जेएनयू का पीएसआर, और साउंड भी आपको आ रहा है पिकॉक्स का, तो पिकॉक्स बहुत है यहाँ पर, और आपके सामने ही चलते हुए दिखेगा आपको जेएनयू के अंदर। और यहाँ पर बहुत सारे स्पेसेस आपको मिलेगा अगर आप जेएनयू में रहते हैं, तो सांप भी कभी कभी आ जाता है, स्कॉर्पियंस बहुत ज़्यादा है। ये पुराना पुराना टंकी आपको दिखेगा,
वाटर टैंक है। देख सकते हैं आप, आपको साउंड सुनाई देगा होगा, जितना पीकॉक्स का आपको साउंड मिलेगा, बहुत सारे के बर्ड्स आपको, बहुत स्पेसिस का बर्ड्स को मिलेगा आपको, दिख रहा होगा वहाँ पर आपको। जेएनयू का लाइब्रेरी जो है, सेंट्रल लाइब्रेरी, जहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ता है, यूपीएससी एस्पिरेंट आपको सारा दिन आपको वहाँ पर मिलेगा, यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करता है बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ाई लिखाई करते हैं यहाँ पर। और सबसे एडवांटेज चीज़ जो होता है यहाँ पर कि आप 24/7 लाइब्रेरी खुला रहता है, तब जब आपका मन होगा आप पढ़ सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। और ये आपका हो गया आपका रिंग रोड, सबसे फेमस रोड। कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, रूम में अच्छा नहीं लग रहा है, पढ़ने का मन नहीं है, आप रिंग रोड में घूम सकते हैं। ये आपका हो गया जेएनयू रिंग रोड। नाउ अब हम लोग अपने हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं, और आपको हॉस्टल का भी दिखाऊंगा कि कहाँ से क्या रूट है। और हम लोग अभी जाएंगे माही मांडवी का हॉस्टल, जो बॉयज़ हॉस्टल है, और हॉस्टल एरिया उसको बोला जाता है, ज़्यादातर हॉस्टल आपको वहाँ पर मिलेगा एक साथ बहुत सारा। ये रिंग रोड एक्सेस शाम के टाइम सब इवनिंग वॉक करता है, रनिंग भी करता है स्टूडेंट यहाँ। जेएनयू का रिंग रोड भी दिखेगा, हम लोग जा रहे हैं अभी हॉस्टल की तरफ। ये है जेएनयू का रिंग रोड, आपको व्यू दिख सकता है कैसे व्यू है यहाँ पर, मस्त सा व्यू दिखेगा आपको रिंग रोड का। तो कोई भी मन नहीं है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, घूमना चाहते हैं, तो आप जेएनयू का रिंग रोड घूम सकते हैं। और यहाँ पर जो व्यू है मस्त होता है, एकदम फ्रेश एयर आपको मिलेगा यहाँ पर। देख के ही अच्छा लगेगा आपको, लगेगा कि नहीं भाई अच्छे से पढ़ लेते हैं, एंट्रेंस क्वालिफाई करके यहाँ ही आएंगे। व्यू देख रहे हैं कितना मस्त आ रहा है, ऊपर का स्काई जो है आपको थोड़ा रेड टाइप लग रहा है, और रोड देख सकते हैं, कोई आपको कोई कचरा आपको रोड में नहीं दिखेगा। और जगह जगह में गार्ड भी रहेगा, तो गार्ड भी रहता है। टी पॉइंट बोला जाता है, क्योंकि इसका जो मोड़ होता है, यहाँ पर तीन जगह आता है, एक हॉस्टल एरिया चल जाता है, एक नॉर्थ गेट की तरफ चल जाइए, एक स्कूल एरिया की तरफ जाइएगा। तो इसको ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट एग्जैक्टली इसको टी पॉइंट बोला जाता है। देख सकते हैं वो नॉर्थ गेट एकदम जेएनयू के बाहर जाइएगा, ये जिस तरह आप जा रहे हैं वो हॉस्टल्स एरिया है। थोड़ा शाम के टाइम है तो लाइट अभी तो आपको दिखने कम मिलेगा यहाँ पर, रात हो जाएगा तो आपको लाइट चारों तरफ दिखेगा। तो ये हम लोग जा रहे हैं अब हॉस्टल्स की तरफ, यहाँ पर सिपना बॉयज़ हॉस्टल्स एंड गर्ल्स हॉस्टल है वो मिलेगा यहाँ पर।
आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं ऊपर एकदम, ये हम लोग का हॉस्टल आ गया, बॉयज हॉस्टल माही मांडवी का। तो इसके बाद हम लोगों को दूसरा वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगा जेएनयू का लाइफ कैसे है, नहीं है। तो चलिए आज के लिए रखता हूँ।